हे व्हाट्सअप गाइस, तो आप सभी की डिमांड थी कि मैं बनाऊं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको बताऊं फरी कैसे प्लैटिनियम्स और कॉइन्स गेन करते हैं। तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी लेकिन आपने पेशेंट रखना है और इस वीडियो को फुल देखना है। उसके बाद भाई आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे प्लैटिनियम्स गेन करने हैं, कैसे अनलिमिटेड कॉइन्स जो हैं वो गेन करने हैं, और आपने सारे जो IPL है या कैरियर मोड है या दूसरे ऑप्शंस हैं उनको अनलॉक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया मैंने खुद अनलॉक किए हैं और वो भी बिना पैसा दिए हुए। तो यहां पर कैरियर मोड आप देख सकते हो गाइज, मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ये मेरा फुल अनलॉक है। इसके बाद NPL ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइज ये भी मेरे पास अनलॉक है। प्लैटिनियम्स को यूज़ किया मैंने, फ्री में प्लैटिनियम्स गेन किए और मैंने NPL ऑक्शन साथ में कैरियर मोड जैसे दोनों बड़े फीचर्स को अनलॉक कर दिया। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी गाइस जो हैं कुछ और प्लैटिनियम्स भी पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में, और वो भी बिल्कुल मैंने फ्री में गेन किए थे। इसके पीछे एक ट्रिक है भैया, उसको यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप गाइस देखिए तो मेरे पास 766 प्लैटिनियम्स हैं और 2 लाख से ऊपर जो हैं वो ऑलमोस्ट मेरे पास जो हैं वो कॉइन्स भी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास था। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मेथड है, कैसे आपने फ्री प्लैटिनियम्स गेन करने हैं और किस तरह से जो है आप अपने सारे फीचर्स अनलॉक कर पाओगे। तो देखो भाई, ये सारा बेस करता है लीग ऑफ चैम्पियंस LOC पे, ये बेस करता है। उसके बिना आप प्लैटिनियम्स फ्री में गेन नहीं कर सकते हो भाई, ये अभी मेरी बात याद रखो। सभी लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आपको ये बात समझ आ गई। अगर आप नहीं समझते हो, आप जाओगे YouTube पर सर्च करते फिरोगे कि कैसे WCS3 के न्यू वर्जन को अनलॉक करें, कैसे अनलॉक करें अपना जो है वो प्लैटिनियम्स को, कैसे NPL ऑक्शन खेलें, कैसे करियर मोड खेलें बिना पैसे के। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी फेक वीडियोस हैं। बट जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगर इस मेथड को यूज़ करोगे थोड़ा बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास फ्री प्लैटिनियम्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो देखो भाई LOC में मैं चलता हूँ, आप लोगों को बस थोड़ा सा मैंने दिखाना है। यहाँ पे देखो मैं नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा हूँ। कैसे आ रहा हूँ इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर भी बताऊंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पे और नंबर 1 फीचर में आ रहा हूँ। अब LOC जो बैजेस हैं इनको देखो ज़रा, और मैं काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ गाइज। ये देखो अनडिस्पोटेड 1 में अभी हूँ मैं, और आगे बहुत सारे अभी रहते भी हैं, और गोल्डी जो है ये फाइनल होगा राउंड, और सीज़न भी वैसे एंड होने वाला है 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो देखो यहाँ से ऊपर से मैंने स्टार्ट किया, मैं डेली बेसिस पे खेलता रहा गेम को, और हर 3 दिन बाद जो है ये राउंड चेंज होता है, और इस तरह से जो है वो मैं आगे आ गया। अब इसके पीछे भी ये ट्रिक है कि आप वो चीटिंग वाली ट्रिक यूज़ करो, विकेट्स लो और जल्दी से पॉइंट्स बनाओ और आगे आ जाओ। अब देखो गाइस यहाँ पर मुझे वो दिखा रहा है कि 2 डे रिवार्ड्स, जो मैंने रिवार्ड यहाँ पर आज गेन करना है उसमें से 40 प्लैटिनियम्स मैंने क्लेम कर लिए हैं। आप लोगों को मिलते होंगे 20-30 और मैक्सिमम 40, लेकिन मुझे यहाँ पर 80 मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं भैया, यही तो मैंने आपको बताना है, यही तो ट्रिक है। तो चलिए देखिए भाई, यहाँ पर मैंने सारे मैचेस खेले, सारे जो आज के थे पॉइंट्स वो मैंने कंप्लीट किए, उसके बाद मुझे 40 प्लैटिनियम्स मिल गए भैया। अब मुझे इन 40 प्लैटिनियम्स को कैसे बनाना होगा 80 प्लैटिनियम्स में, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए मैंने जैसे ही प्लैटिनियम्स गेन किए 8-8 पॉइंट मुझे मिले, ठीक है, प्लैटिनियम्स मिले। अब इनको मैं 8 से 16 में कन्वर्ट करूँगा। तो वो देखो भाई, यहाँ पर मुझे एक वीडियो देखना पड़ेगी, मैंने इस पर क्लिक किया भैया, ये थोड़े सेकंड की वीडियो चलेगी और इसके बाद जो था मेरा प्लैटिनियम्स वो डबल हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपने देखा मेरे प्लैटिनियम्स जो हैं वो 16 हो गए 8 से। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको 40 अगर प्लैटिनियम मिलते हैं, नेक्स्ट राउंड में मुझे जो है वो 50 मिलेंगे, 50 से मैं 100 करूंगा, 40 से 80 करूंगा। तो इस तरह से आपने करना है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया आपको 40 कैसे मिलेंगे डेली बेसिस पे, उनको आप 80 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 40 मिलेंगे उनको वीडियोस देकर 80 में कन्वर्ट करोगे। और ये भैया जब तक आप LOC में रैंक में नहीं आओगे आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है भैया, आपको थोड़ा बहुत तो वर्क करना पड़ेगा। अब जस्ट यही नहीं है कि आप इनको खेलोगे LOC में रैंक में आओगे और जस्ट आपको प्लैटिनियम मिलेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं है। आप अगर प्लैटिनियम के लिए खेलते हो तो आपको कॉइन्स भी मिलेंगे और आपकी पूरी टीम भी अपग्रेड होगी। जैसे यहाँ पर देखो भैया, मुझे इपिक में जब मैंने खेला प्लैटिनियम के लिए तो ये एक बॉक्स मिला और उसमें से मेरा प्लेयर जो है वो फुल अपग्रेड भी हो गया। तो इस तरह से आपकी टीम भी डिवेल्प होती जाएगी, साथ में आपको प्लैटिनियम्स भी मिलेंगे, कॉइन्स भी मिलेंगे और आपके पूरे जो प्लेयर्स हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे।
एक काम करने से भैया आपके चार चार काम हो रहे हैं। एक तो भैया LOC में आपका रैंक इंक्रीज होगा, आपको प्लैटिनियम मिलेंगे, क्वींस मिलेंगे, साथ साथ आपकी पूरी टीम जो है वो फुल अपग्रेड हो जाएगी और आपका जो स्टेटस है या जिसको आप करियर मोड कहते हो वो भी आगे ज़्यादा चला जाएगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स बनते हैं। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखो भाई LOC में रैंक कैसे इंक्रीज़ करना है, उसके लिए भैया जस्ट आप चीटिंग यूज़ करो, वो जो है विकेट्स लेने वाली, उसमें आप टेस्ट मैच खेलो, जीरो पे अल्टीम आउट करो, एक दो बॉल्स पे आप विन करो मैच और आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे LOC में कि आप देखते रह जाओगे। जस्ट दो मैचेस खेलने पर आप LOC में टॉप पर रहोगे, जैसे अभी मैं LOC में टॉप पर रहूं और मेरे आसपास भी कोई भटक नहीं रहा है 25,000 सेकंड वाले के, और मेरे कितने गाइज 1,50,000 से ऊपर हैं, तो इतना डिफरेंस आ रहा है। जस्ट मैंने दो मैचेस खेले हैं, वो भी टेस्ट मैचेस, और कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से आपको जो है वो प्लैटिनियम्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मिल जाएंगे। जैसे मैंने NPL ऑक्शन भी अनलॉक किया, कैरियर मोड भी अनलॉक किया और अभी मेरे पास एक्स्ट्रा हैं और मुझे समझ नहीं आ रही है मैं इससे प्लेयर्स को अपग्रेड करूँ, फुल टीम को अपग्रेड करूँ या इनको किधर यूज़ करूँ। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, अगर इनको शेयर करने का ऑप्शन होता तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देता। तो गाइस ये कुछ इस तरह से ऑप्शन है, बाकी आप वीडियोस देखकर क्वींस जो है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे भैया और कोई बात रह नहीं गई है, मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपने प्लैटिनियम्स जो हैं वो गेन करने हैं। डेली बेसिस पे खेलो गेम को, थोड़ा वर्क करो, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है आई नो, बट भाई गेम को हैक नहीं कर सकते हो। अगर हैक करोगे भी तो दो दिन के अंदर अंदर आपकी आईडी जो है वो बैन हो जाएगी और उसके बाद फिर हाथ मलते रहना, ठीक है। तो ये वीडियो थी गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई नो गाइस हैकिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भैया, ऐसा टाइम वेस्ट करोगे, बस खेलो, मज़ा लो, साथ में टीम को अपग्रेड करो, प्लैटिनियम को बढ़ाओ, सब कुछ अनलॉक करो, स्टेडियम्स को अनलॉक करो, यही तो है भाई। और अगर नहीं कर सकते तो भाई फिर पैसा लगाओ और परचेज़ कर लो प्लैटिनियम्स, बस यही वे है, कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, दो ही रास्ते हैं, उनमें से एक पर आपने चलना है। जो मैंने चूज़ किया भैया वो थोड़ा पुअर लोगों के लिए, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप मम्मी डैडी बच्चे हो तो भाई करो भाई, प्लैटिनियम्स के लिए पैसा लगाओ और अपनी टीम को अपग्रेड कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड टेक केयर, गुड बाय।